दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको मिलवाने वाले हैं टी सीरीज के एमडी और चेयरमैन भूषण कुमार की वाइफ दिव्या खोसला कुमार से। दिव्या खोसला कुमार को शायद आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये एक एक्ट्रेस है जिन्होंने अभी हाल ही में जॉन अब्राहम के साथ फिल्म सत्यमेव जयते 2 में काम किया। इस वीडियो में इनकी लाइफ स्टाइल और बायोग्राफी के बारे में बताने वाले हैं, आखिर इन्होंने कैसे अपने करियर की शुरुआत की और करंटली कैसी लाइफ स्टाइल जीती है, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको दिव्या खोसला कुमार पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिव्या का पूरा नाम दिव्या खोसला कुमार है और निक नेम दिव्या है। दिव्या प्रोफेशन से एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्ट्रेस और सिंगर है। और दोस्तों दिव्या खोसला कुमार का जन्म 20 नवंबर 1987 को दिल्ली में हुआ और 2021 के हिसाब से ये 34 साल की हैं। दिव्या ने अपनी स्कूलिंग दिल्ली के प्राइवेट स्कूल से की, जिसके बाद इन्होंने जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज दिल्ली में एडमिशन लिया और यहाँ से बीकॉम ऑनर्स की डिग्री हासिल करी। अब बात करते हैं दिव्या खोसला कुमार के करियर के बारे में। दोस्तों दिव्या ने 18 साल की उम्र में मॉडलिंग स्टार्ट कर दी और मुंबई चली गई। मुंबई जाते ही इन्होंने कई एडवर्टीजमेंट में काम किया और सलमान खान के साथ सॉन्ग हनी हनी में दिखी और साथ ही साथ कई और सॉन्ग में फीचर भी हुई, जिसके बाद दिव्या ने 2004 में तेलुगु फिल्म लव टूडे से अपना डेब्यू किया। और इसी साल दिव्या ने बॉलीवुड डेब्यू किया फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से। और इस फिल्म के शूटिंग के दौरान दिव्या भूषण कुमार से मिली और दोनों ने 2005 में शादी कर ली। और दिव्या ने एक्टिंग से लंबा ब्रेक लिया और डायरेक्टिंग पर फोकस किया, जिसके लिए दिव्या ने सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग का कोर्स किया। और कोर्स कंप्लीट करने के बाद दिव्या ने सोनू निगम और तुलसी कुमार के लिए कई म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट किए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, दिव्या ने 20 म्यूजिक वीडियो को डायरेक्ट करने के बाद 2014 में अपनी पहली फिल्म यारिया को डायरेक्ट किया और साथ ही साथ इस फिल्म के 5 सॉन्ग को कोरियोग्राफ भी किया है। और 2016 में सनम रे फिल्म भी इनके डायरेक्शन में बनी है। दोस्तों दिव्या एक प्रोड्यूसर भी है, तो दिव्या ने अपने करियर में पहली फिल्म 2015 में प्रोड्यूस करी, जिस फिल्म का नाम रॉय है। और इसके अलावा दिव्या ने अपने करियर में कई फिल्म प्रोड्यूस की है, जिनमें से कुछ फिल्मों के नाम है बटला हाउस, मरजावा, स्ट्रीट डांसर, लूडो और इंदू की जवानी। और दोस्तों फाइनली 2021 में दिव्या ने एक्टिंग में कमबैक किया और जॉन अब्राहम के साथ फिल्म सत्यमेव जयते 2 में काम किया, जिसमें इन्होंने विद्या का किरदार निभाया। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताना दिव्या खोसला कुमार आपको कैसी लगती हैं। चलिए मिलवाते हैं आपको दिव्या खोसला कुमार की फैमिली से। तो दोस्तों दिव्या के पिता का प्रेस प्रिंटिंग का एक छोटा सा बिजनेस था और इनकी माँ एक टीचर हैं। और बात करें इनके हस्बैंड के बारे में, तो दोस्तों इन्होंने 2005 में भूषण कुमार से शादी की और इनका एक बेटा भी है जिनका नाम है रोहन कुमार। अब बात करते हैं दिव्या खोसला कुमार के हाउस के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दिव्या अपने पति भूषण कुमार के साथ मुंबई के अंधेरी में एक सुंदर से घर में रहती हैं, जैसे कि इन पिक्चरों में आप इनका घर देख सकते हैं। और इसके अलावा इनका कई और जगह पे भी घर है। वहीं बात करें दिव्या खोसला कुमार के कार कलेक्शन के बारे में, तो इनके कार कलेक्शन में पहली कार है ऑडी A8L, जिसकी कीमत है 1,56,00,000 रुपये। और दूसरी कार इनके पास है बेंटली फ्लाइंग स्पर, जिसकी कीमत है 4 करोड़ रुपये। और तीसरी कार इनके पास है ऑडी R8 स्पाइडर, जिसकी कीमत है 2,61,00,000 रुपए। और चौथी कार इनके पास है मर्सिडीज बेंज मैबैच X560, जिसकी कीमत है 1,94,00,000 रुपए। वहीं बात करें दिव्या के इनकम के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दिव्या खोसला कुमार फिल्म को प्रोड्यूस करके करोड़ों रुपए कमा लेती हैं। अब बात करते हैं आखिर दिव्या का नेटवर्थ कितना है। तो दोस्तों इनका नेटवर्थ है लगभग 50 करोड़ रुपए। तो ये थी दिव्या खोसला कुमार की लाइफ स्टाइल वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक। नेक्स्ट वीडियो की सेलिब्रिटी के बारे में चाहते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।